आ गए ना किधर नहीं भाई, जब भी कछु लेने का आया ना तो गायब ही हो जाते हैं कहां ना कहां। ए जी पूरा घर भर ढूंढ डालूंगी तो अभी नहीं आए। अरे कहां गया है ना कहां नहीं, मेरे को खुद ही नहीं मालूम, जब तो ढूंढ रही हूँ कहां गया मेरे को पूछते हैं। ओह नो, अच्छा तीजा तीजा ताजी का त्योहार आए, कछु लेना है देना है, कछु समझ में नहीं आता ना, साड़ी वाड़ी लेना है करके। छत में सोया तब नैया, अच्छा मैं तने समझ के सो गई। तेरी ऐसी कैसी कैसे करता है बे, खाली देता है यार तू यार मेरे को, खारे खारे हाथ बे। ओह नो, अब भी तो आया था का, कहां से बे चाला निर्मा साबुन से हाथ धो दे। ओह नो, एक तो दिमाग खराब है आदमी का भी। अच्छा वो भैया गया, अब जाएगा भाभी को लेके तीजा बंधवाने वहाँ, उसके माँ की क्या हमारी इच्छा नहीं होती क्या भाई, हमारी घर वाली भी रहेगी तो हम भी लेके जाएंगे भाई। एक काम करते हैं, बाजू वाले कौलू महाजन की लड़की लेके भागते हैं दोनों भाई। अच्छा तो एक है ना उसकी लड़की, अरे तो दोनों शादी कर लेंगे ना का? साले तू क्या द्रौपदी बन रहा है क्या? द्रौपदी अरे वो छोड़, कल के कल ससुराल बन जाएगा तेरा। ये भगा भूगी वाला गलत है भाई। अच्छा वो फिर भगा भूगा के ला लो अपनी मर्जी से, अपन तो खुश रहते हैं, वो बिचारी घरवाली को ताने सुनना पड़ता मोहल्ले के। हाँ अनिशेष जरा जरा सी गलती हुई ना, अनिशेष धस आएगा पराए कर रहा है नाटक, जे लासी वासी पलाना धसी भाई नाटक, जिंदगी भर का बिचारी इनको टेंशन बे। बड़ा गंदा संदेश जाता है क्यों? बहुत गंदा गया ना बाढ़ में गया ना संदेश। हाँ भैया को रोक लेते, भैया भाभी को, तेरे को पता है ना कितने भाभी के गांव में कितनी बाढ़ बह रही है, पूरे पुलिया भी कच्चे हो गए बे, जड़ से अंदर ही अंदर पूरे खोखले हो गए मालूम, पोले पोले। ये चिरमहा देख यहाँ बैठे हैं, दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत का सामना करो। हाँ भाभी तेरा भैया कहाँ गया है रे ना ढोके रे, तुम दोनों यही हो क्या अभी भी का? हमको लगा दोनों का छोड़, तेरा भैया कहाँ पे लिए बता मेरे को। अरे वो ना का तेरे को दिखा देगा। अरे तुम दोनों को दिखाई के लिए पूछ रही हूँ रे। अरे सुन, कहाँ जाना तुम लोगों को? अरे जाना नहीं जाना छोड़, अभी बाढ़ चल रही है, बाढ़ आ गई है, पूरे पुल टूट चुके हैं, तू भी डूब जाएगी, भैया भी डूब जाएगा। अरे मैं नहीं डूब सकती, सात जन्म का उपवास कर रही हूँ, समझ रहा है, सात जन्म का। ये डूब भी जाएगी चलेगा भैया, कुछ नहीं होना चाहिए। वो और एक बात मेरे को ये बता तू, तेरे को जब जाना ही था तो तू भैया को सुबह से अपने पल्लू में बांध के रखती ना। अरे कहाँ पल्लू में बांध लू रे, मेरे को साड़ी भी लेना है रे। अरे तो साड़ी चेंज कर ली ना, इसलिए वही बंधा का बंधा रहेगा। अरे साड़ी लेना है तेरे भैया के लिए, मैं सात जन्म का उपवास कर रही हूँ, मेरे को साड़ी नहीं दिला सकते क्या, बता जरा। बिचारी के लिए साड़ी चुने लेते बे, मगर बे तू जागा यहाँ मजमा खराब कर रही है अपना। पूछ रही हूँ तो बता भी नहीं रहा, बकरा कहीं के क्या रे? सही में तेरे पास साड़ी नहीं है क्यों? एक साड़ी नहीं है रे मेरे पास रे। जिंदगी 45 है और वो लास्ट नई साड़ी कब ली थी रे? 3 दिन पहले। 40वीं है ना? हाँ रे। ऐसे तीज त्योहार में मेरे को देना चाहिए कि नहीं तेरे भैया को, है ना? कहाँ गया बता तो रे तेरा भैया रे। हमको मत पूछ गा, चल कहाँ गया है सोनिया, कहाँ गया तेरा भैया? याद नहीं आसमान में देख रहा है। हेलो अबे डेंग लगा दी हमारे यहाँ की, मायके जाएंगे करके साला काय का ऐसा उपास न ढिपास तो समझ में नहीं आता। अरे उपास रहती वहां तक ठीक है, साड़ी लेना जरूरी है क्या यार? साला जानबूझ के खर्चा कराती है वहां पे। जो बोलेगी तू फोन काट वाला काय के लिए रो रहा है, बहुत सड़ी करे आएगी वो नैन लड़ैया। अच्छा जो बोलेगी हमको सैया, सारे गिन गिन के इंतजार में हम यहाँ का आड़ में रो रहा है बे। मेरे को मेरी घरवाली की याद आ रही है। तेरी कहाँ घरवाली है बे? अरे तो आज निकल होगी ना, बढ़िया लाल अभी तक ढूंढ नहीं पाई उनने मेरे को। तू ढूंढ लेना, निकम्मी कहीं की है, केबड़ी कहीं की, लाल कहीं की, केबड़ी कहीं की। बेटा छोटा सा होगा वैसे रोता है। तेरा तो बढ़िया है ना भैया, तेरी लुगाई है, तेरे लिए तो उपास रह रही होगी ना। उसी की तो टेंशन है बे, सुबह से भीड़ी है मेरे पीछे। तू भी बड़ा मर्रा रहा है अभी।
अरे मर्रा रहा नहीं गर्रा रहा हूँ मैं, ये कह देना तू ऊपर से। अबे साड़ी चले कहती उपास रहना है, रहते हैं तो क्या साड़ी लेना जरूरी है क्या? सही तो कहती है, तेरे लिए सात जन्म को उपास है वो। वही तो दुख है बे छोटिया, मेरी घरवाली रहती तो उसको तो 700 जन्म के लिए उपास रखवाता ना, दे साड़ी लेता मैं उसके लिए। हाँ एक जन्म में झेल नहीं पा रहा है आदमी, 700 जन्म की बात कर रहा है तू। और सुन मैं तो सोच रहा हूँ कि इस जन्म के बाद मिले चमत तो अच्छा है। तो शादी काय को किया तूने? अरे मेरे को क्या पता था ऐसा कि इतना सारा उपास करेगी। ऐसा क्या शादी के बाद दिक्कत होती है क्या? बहुत ज्यादा दिक्कत। तो मैं करूँ के नहीं भैया? मेरी सलाह मान, शादी वादी मत, मैं नहीं शादी करूंगा मैं भी। तुम साले नहीं समझ रहे हो बे, तुमको हमारी फीलिंग नहीं समझती, तुम अभी बच्चे हो। अच्छा अच्छा आओ हमको सिखा रही है तू। साले शादी करके 10 साल हो गए हमको बच्चा कह रहा है। अबे हम पे बीत रही है, हम पे किस पे बीत रही है? अबे रुकना बे छोटिया, की यहाँ का किला ये साइकिल ये कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुमको, पूरे घर भर छान डाली साइकिल ढूंढ रही। तो तुमको दिमाग दिमाग है क्या? नहीं बताओ, एक तो उधर भी जाना है, साड़ी अलग लेना है। कहाँ हो? मेरे मायके नहीं जाएंगे क्या? अच्छा तो तू तीजा नहीं बांधती ना? अरे तीजा नहीं बांधती फिर भी तो साड़ी वाड़ी होना ना, मायके जाऊंगी कम से कम, तीजा वीजा में तीजा बांधेंगे तो ऐसा पूजा पाठ तो करूंगी कम से कम। तेरे को कौन कहता है कि मेरे लिए तू पूजा पाठ कर गई थी? अरे तो मैं तो कर रही हूँ ना सात जन्म के लिए। अरे रहन दे रहन दे, यहाँ एक जन्म में झेल के नहीं हो रहा, सात जन्म के लिए चिपकूंगी कह रही है। अरे तो ये एक जन्म हो गया ना यार, अगले जन्म में तू दूसरा देख लेना। जन्म में नहीं छोड़ूंगी तुमको, तुम्हारे पिछले गाँव। अरे तू मेरी बात मान, तू 3-4 उपास करती ना, मैं 10-15 उपास कर लूंगा तेरे को छोड़ने के लिए। अरे तुम की बात ये जन्म काफी है पिंकी, इसके बाद अपना और मिलना नहीं हो सकता। ऐसे मत बोलो, चल जल्दी साड़ी लो, फालतू की बात मत करो मेरे साथ। यही बात अटकी है साड़ी पे, इसीलिए साले हम लोग तुम्हारे लिए उपास नहीं करते और हम उपास रहने भी नहीं देते। अरे करो ना हमारे लिए उपास, करो बाहर का काम हम करते हैं, तुम करो अंदर का। अच्छा। फिर लेती हूं तुम्हारी शर्ट पैंट। मेरे को एक चीज बता। हाँ। शंकर भगवान ने गौरा जी के लिए साड़ी लिया था? याद कर याद कर। अरे साड़ी ना लिया हो लेकिन प्यार मोहब्बत एक बौछार किया था, तुम तो वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते तुम। तो ऐसे तो रखता हूँ मैं, ऐसे तो रही हूँ मैं यहाँ, कौन सा सुख शांति से रहेगा। साली कल मुंह ही तेरे को उपास रहना है तो तरीके से रहने तो मत रहे। तुम चिर महा जैसे मत हो, मेरे को नहीं रहना है तेरे साथ। अरे मेरे को तो रहना है, कहाँ जाओगे छोड़ के पिछले गाऊंगी। अरे मैं एक जन्म तक झेल लिया, अब बाकी झेलने की हिम्मत नहीं है। सही बताती हूँ, तू उपास है क्या मेरे लिए? गुस्सा करने के लिए उपास है? तो उपास तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो रह रही हूँ ना मैं। मत रहे आज के बाद, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तुम फालतू की बात मत करो, चलो साड़ी लो मेरे लिए फटने और लेके जाओ मेरे को उधर। तू साड़ी के पीछे क्यों भिड़ी है? कैसे नहीं भिड़ूंगी मैं, त्योहार त्योहार क्या? और सुन नदी नाले में मनमानी बाढ़ है, मैं कहीं लेकर नहीं जाने वाला हूँ। बाढ़ बाढ़ सब सूख गया, एक बजे सब खत्म क्या? चलो लेके चलो, मान जा नहीं तो इस जन्म में दोनों दोनों बिछड़ गए तो दोबारा मिलने के नहीं। अरे सात जन्म के लिए रह रही हूँ जी, सात जन्म, इस जन्म में बिछड़ गए तो दूसरे जन्म में मिल जाएंगे। अरे वो सतयुग में चलता था सात जन्म। चलो ना जल्दी साड़ी के लिए, मेरे लिए दिमाग खराब मत करो, बता रही हूँ मैं चप चपा दूंगा यहाँ भाषण मत दे। अभी गांव में गणेश जी आ रही है, बढ़िया गांव में गणेश जी में जाएंगे भजन गाएंगे तो यहाँ माइक के जाएंगे। अरे तुम देख लेना पहले मेरी साड़ी लो, चलो तू दिमाग खराब मत। मैं मत बता रही हूँ, अभी ऊपर उत्थान हो जाऊंगी यहाँ। आहो मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता। चलो मेरे लिए।